हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास टेंथ का जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो कुछ ही दिनों में क्लास टेंथ का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बहुत कम समय है आपके पास। फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका साइंस का, तो मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए ज़रूर। ये जो पर डे में शाम 3 बजे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो 3 PM में अपलोड करूँगा। मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा। यदि आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आप 70+% स्कोर करेंगे। 100% क्वेश्चंस जो है इन्हीं क्वेश्चंस में आएगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरा चैनल पे वीडियो हमेशा रहेगा ही, तो आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर देखिएगा कितना क्वेश्चंस मेरे वीडियो से डायरेक्ट मैच किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कनकेव का, किस लेंस का, मिरर का, कनकेव का। कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, मिरर हो चाहे लेंस हो, कनकेव का जो है फोकल लेंथ, फोकस दूरी नेगेटिव होता है, मतलब अवतल दर्पण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बी कनकेव मिरर इंग्लिश में देखेंगे तो। सेकंड मैंने पूछा था कौन सा रिलेशन जो है एफ और आर में सही है। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है, तो रेडियस का आधा करेंगे तो फोकल लेंथ निकलेगा, तो एफ बराबर आर बाय टू बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा था सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो हम जानते हैं सबसे कम दूरी जो हम लोग देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी। ये सबसे निकट पूछा था सामान्य, न्यूनतम दूरी तो 25 हो जाएगा, यदि अधिकतम पूछेगा तो इनफाइनाइट इसका आंसर अनंत हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा था श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकने वाला। तो VIBGYOR हम पढ़ चुके हैं, इस तरह का पैटर्न होता है VIBGYOR। तो सबसे ऊपर में रेड होता है, तो रेड कम से सबसे कम झुकता है, तो ऑप्शन नंबर सी लाल बिल्कुल आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा झुकता है तो पूछेगा तो विवग्योर भी वायलेट वैग्नी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है, रेटिना पे कौन किस तरह का इमेज बनता है। तो हम जानते हैं हमारे आंख में जो है कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, जो हमेशा वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड। बी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मुझे काफ़ी दिनों से क्लास टेंथ को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साइंस और मैथ का मैं स्पेशलिस्ट टीचर हूँ, तो मेरा वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए यदि मेरा वीडियो पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि कभी कभी भी जब रंग का बात करें, क्या बात करें, रंग का बात करें, तो स्कैटरिंग आंसर में मारिएगा आप लोग, प्रकीर्णन मारिएगा। रंग का बात करेगा, जैसे पूछेगा सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य उदय और अस्त के समय, तो ये प्रकीर्णन ही आंसर हो जाएगा। जब रंग का बात करेगा तो प्रकीर्णन होगा। जब पोजिशन का बात करेगा, जगह का, जैसे तारा क्यों चमकता है पूछेगा, तो आंसर होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण आंसर होगा रिफ्रैक्शन। जान रहे हैं, कलर का बात, रंग का बात करेगा तो स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा। हमेशा पूछेगा सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है, तो इसका भी आंसर होगा प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हिच मिरर मेक्स लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किस दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दर्पण में कौन सा में बड़ा बनेगा, तो हम हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा इमेज बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। जरूर याद रखेंगे उत्तल में छोटा और अवतल में हमेशा बड़ा, और समतल दर्पण में समान आकार का इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के को ठीक करने में उपयोग किया जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो हम लोग जानते हैं अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का चीज़ दिखाई देता है, दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, इस वजह से हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा? निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दिखाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। जानते हैं फराडे लॉ जो था, फराडे का नियम, उसके अनुसार फराडे ने बताया था किसी चुंबक के आसपास, जो है हम लोग चुंबक के आसपास किसी तार को यदि हम का मोशन करेंगे तो उसमें करंट आ जाएगा, उसको इंड्यूस्ड करंट कहते थे। उसको उस करंट को किस चीज़ से दर्शाएंगे? गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। बोल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किस ने प्रतिपादित किया था? हम जानते हैं फ्लेमिंग ने किया था, दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम फ्लेमिंग ने किया था। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हिंदी में भी, मैं वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई मात्रक पूछा था। एसआई मात्रक इसका होता है वोल्ट, वोल्ट वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? हम जानते हैं जब सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में, तो आर सीरीज में होता है R1+R2, इसमें दोनों को जब सीधा सीधा जोड़ेंगे तो हमेशा मान अधिक आएगा, तो आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में तो घटता है मान, श्रेणी क्रम में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? चुंबकीय बल रेखा जो होता है काल्पनिक होता है हमेशा। चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है? काल्पनिक, कोई देखा नहीं जा सकता है। आपके पास यदि हम ये चुंबक दे देंगे, क्या इस चुंबक में चुंबकीय रेखा दिखाई देगा जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? एक किलोवाट घंटा जो होता है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से पूछा गया था नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, रीन्यूएबल, फिर से जिसको यूज कर सकते हैं, वो है सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस पूछा था। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस, मतलब डाइवर्जिंग, जिससे प्रतिबिंब निकल के दूर दूर फैल जाता है, उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, ये सारा रे को एकत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अवतल को अपसारी। प्रकाश का प्रथम वर्ण कौन सा है? कौन सा प्राइमरी कलर ऑफ लाइट है उपर्युक्त सभी? इसमें से लाल, नीला और हरा तीनों जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पार्ट जो होता है आंख का कलर्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिस। ऑप्शन नंबर डी जो होता है बिल्कुल कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट ऑफ आई, आंख का जो सबसे रंगीन भाग होता है, उसे आयरिस कहते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। यदि मेरा वीडियो आपका पसंद आए, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आऊँगा, और मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जान रहे हैं कितना अच्छा मैं बता रहा हूँ, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोग। मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका उपयोग किया जाता है? विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हम जानते हैं वस्तु को बड़ा बनाना है तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा, क्योंकि अवतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर बी बिल्कुल सही होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। बोल रहा है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, एक तार में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब इसमें करंट आता है। इलेक्ट्रॉन यदि मूव नहीं कर रहा है तो करंट नहीं आएगा। कि कोई तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन, इसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से, इलेक्ट्रॉन जब एक तार के अंदर चलता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है? एम्पियर गुना घंटा आवर। हम जानते हैं एम्पियर को कहते हैं आय और आवर को कहते हैं टी। तो क्या फॉर्मूला आता है? क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू इक्वल टू आई टी किसका फॉर्मूला होगा? क्यू किसको कहते हैं? आवेश को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तरह पहचाने हम, आप लोग समझे होंगे, एम्पियर को कहते हैं ए, टाइम को कहते हैं टी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो एम्पियर को हम लिख दिए आय करेंट और टाइम, करे आई इंटू टी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू आई टी फार्मूला होता है। तो क्यू जहां पर आवेश होता है, तो आवेश आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था वाट किसके बराबर होगा? वाट, वाट तो हम जानते हैं पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। तो पावर बराबर क्या होता है? इनर्जी बटा टाइम, इनर्जी बटा टाइम, इनर्जी बटा टाइम, ई बटा टी। तो इनर्जी का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल बटा सेकेंड। या पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा टाइम, वर्क डन का भी होता है जूल बटा सेकेंड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल बटा सेकेंड इस बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ के याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, रट्टा मारेंगे तो कभी याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग कौन सा फेनोमिना होता है? अर्थ का टेम्परेचर अगर लगातार जब बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके जिसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। CO2 गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। ओजोन लेयर डिप्लेशन पूछेगा किस वजह से होता है, तो हम याद रखेंगे CFC की वजह से। कौन सा लेयर याद रख लीजिए? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है वो किस गैस की वजह से? तो CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? डाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन। इसमें इनर्जी नहीं निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपचयन, उपचयन बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसा होता है? तो हम जानते हैं जब चूना में आप जल डालिएगा तो बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म होने से कहते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? क्रियाशील पूछेगा सबसे अधिक कौन है, तो हम जान रहे हैं मरकरी, AU गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। तो ये तीनों नॉन रिएक्टिव है, कॉपर इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। चूना जल बिल्कुल याद रखेंगे, चूना जल कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला, लाल को क्या कर दिया? नीला, तब ये हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा मतलब क्षार होगा। लाल को नीला करेगा तो बेस होगा। बेस का पीएच कितना होता है? तो 10, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। कोई स्टूडेंट जल्दी जल्दी में रहेगा तो कोई ए में जिसको दिखाई देगा ए मार देगा, जिसको मन होगा बी बी मार देगा, मगर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब लाल को नीला कर दिया तो बेस होगा, बेस का पीएच 7 से अधिक होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजन बंधन होते हैं, एल्काइन आइन है, YNE, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोस 32 ने पूछा गया था, ग्लूकोस का आणविक सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। उच्चवासीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उसको सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन। उच्चवासीय अम्लों में सोडियम लवण कहते हैं, किसको? साबुन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए
CHO को कहते हैं, एल्डिहाइड का नाम है CHO, क्या है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। OH कहेगा तो अल्कोहल होगा, COOH होगा तो कार्बोक्जिलिक एसिड होगा, ONE होगा तो कीटोन होगा। बोल रहा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, क्या होगा घटेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है, हम जानते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, क्या होता है लेफ्ट से राइट में घटता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, लेफ्ट बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वों के अधात्वित्व गुण के बढ़ते क्रम में लिखे, अधात्वित्व गुण बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो मतलब अधातु होता जाए, जो क्या होता जाए, निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखे, अधातु गुण बढ़ना चाहिए, हम जान रहे हैं मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर बी, ये तो होगा ही नहीं कभी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेटल है वो। सिलिकन क्या है, सिलिकन क्या है तो हम जानते हैं अधातु है, ये बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए, गारंटी आपके एग्जाम में रहेगा, सिलिकन क्या है तो अधातु, और मैं आप लोग के लिए सॉरी अधातु नहीं, गलत हो गया, उपधातु है, मेटेलॉइड है, आप लोग याद करेंगे पांच उपधातु का नाम आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा पांच, चार उपधातु के नाम लिखें, क्या पूछेगा आपसे, चार उपधातु के नाम लिखे, तो आप उसमें से एक सिलिकन जर्मेनियम हो लिखेंगे, आप पांच पीरियोडिक टेबल में अलग से लिखा है, आप बिल्कुल याद रख लेंगे। इंग्लिश में पूछा है सिलिकन क्या है तो मेटेलॉइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित नामांकित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है, घनात्मक कौन होता है बता रहे हैं आपको, मेटल होता है, मेटल होता है, धातु कौन सा क्या होता है घनात्मक, धातु क्या होता है घनात्मक, इसमें से देख लीजिए धातु कौन सा है, सोडियम, सोडियम घनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टेहरी डैम कहाँ पर है, टेहरी डैम उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, टेहरी डैम है उत्तराखंड में। निम्नलिखित नामांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो हम जानते हैं सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका अभिक्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी क्रियाशील धातु है, सोडियम और पोटेशियम काफ़ी क्रियाशील काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील धातु है, अतः इसे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट किस किस चीज से बनाते हैं, तो सर्फ, एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपमार्जक बनाए जाते हैं तो उपरोक्त सभी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो इस तरह का होता है, हम देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर का जो इस तरह का लकीर होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है, किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन, देख लीजिए ऑप्शन किस में सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट व्हाइट कलर का सिलिकॉन होता है जो काफी चमकते रहता है सोलर सेल में, आप याद रखेंगे बिल्कुल, हमें जिस तरह से बोल रहा हूं, सोलर सेल में कौन सा चीज का उपयोग होता है आपसे पूछेगा तो पूरा याद कर लेंगे, उजला उजला कलर का लकीर तरह जो होता है वो क्या होता है, तो याद रहे आ जाएगा आप लोग को सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो हम जानते हैं सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग खाना बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसमें क्या होता है, मतलब Cu+O2 2CuO ये किस चीज का उदाहरण है, तो हम जान रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संतुलित नहीं है कौन सा पूछा है, तो हम देख रहे हैं संतुलित कौन सा नहीं है, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदासीन सॉल्यूशन, न्यूट्रल उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो हम याद रखेंगे 7, जैसे उदासीन विलयन में क्या है पूछेगा पानी, जल का पीएच कितना होता है, वाटर का, तो आप बताएंगे 7, जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7, उदासीन विलयन का पूछेगा तो आप याद रखेंगे 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टिक लगा लीजिए, वीडियो के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद आप हमको कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आएगा आप लोग में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, निम्नलिखित दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल पूछेगा तो CH3COH, बाकी हमको तीन ही अम्ल पढ़ना है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत अम्ल है, जो है नाइट्रिक एसिड, HCl और H2SO4। आपके बुक में तीन ही मजबूत अम्ल का नाम लिखा है HNO3, HCl, H2SO4, बाकी सारा का सारा वीक है। CH3COH यहाँ पर लिखा है वीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? हम जानते हैं क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का है, बिल्कुल याद रखेंगे सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्रायोलाइट किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, याद रखेंगे आप लोग। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC ने पूछा था मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का मिथेनोइक एसिड। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र पूछा गया था, इथाइल अल्कोहल याद रखेंगे, अल्कोहल में OH लगा होता है, मतलब इथाइल दो कार्बन का, कितना कार्बन का, दो कार्बन का, तो C2H5OH होता है। अल्कोहल का पूछेगा आपका जनरल फार्मूला पूछेगा, सामान्य सूत्र पूछेगा, तो CnH2n+1OH, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। एन यदि 2 है तो 2 × 2 = 415OH, इस तरह से आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अल्कोहल का जो है सामान्य सूत्र बताएं, यहाँ पर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अल्काइन कौन सा है? तो हम जानते हैं अल्काइन कौन सा होगा, अल्काइन YNEIN, ट्रिपल बॉन्ड। इन बोलेगा अल्कीन तो डबल बॉन्ड, और अल्केन बोलेगा तो सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है आपका जनरल फॉर्मूला, दोगुना में दो कम, अल्कीन में दोगुना में सिर्फ दोगुना होता है, CN होगा तो H2N होगा, इसमें दोगुना में दो जोड़ा रहेगा, तो हमको अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला ढूंढना है, तो दोगुना में दो घटाना होगा, दोगुना में दो घटाना होगा, तो हम जान रहे हैं दोगुना में ये दो जुड़ा है तो अल्केन है, अल्केन है, ये अल्केन है, ये है अल्कीन, ये क्या है आपका अल्कीन, डबल दोगुना है, और ये आपका अल्केन है, दोगुना में दो जोड़ा है, और इसको करेंगे तो C2 है, तो दोगुना में दो करेंगे, दोगुना करेंगे तो दो दुना चार होगा, चार में से दो घटाएंगे तो दो होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है अल्काइन, हमें पहचानने का नियम बता दिया। अल्कीन पूछेगा तो सिर्फ दोगुना होगा, जैसे इसमें तीनों में चारों में अल्कीन कौन सा है, तो हम बोलेंगे C2H4, कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन है कि नहीं, दोगुना में जब दो ज्यादा होगा तो अल्केन होगा, दोगुना में दो कम होगा तो अल्काइन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा था, शुगर का, तो हम जानते हैं क्या होता है, C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एसिटैलिन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजन बंधन की संख्या है, एसिटैलिन बोलते हैं C2H2 को, किसको बोलते हैं C2H2, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। सह संयोजन बंधन कितना है, तो 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज है, तो हम जानते हैं कौन सा, जर्मिनेटिंग सीड्स, कौन सा, जर्मिनेटिंग सीड्स, अंकुरित सीड, ऑप्शन नंबर बी। मानव वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, किडनी किस चीज का, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, हम जान रहे उत्सर्जन में काम आता है, यहीं से यूरिन बनता है, यूरिन इस प्रोसेस में हम किडनी में क्या पढ़ते हैं, यूरिन बनता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम नामांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो याद है जाइलम वाटर, फ्लोएम फॉसे फूड, भोजन, जाइलम है वाटर, पानी, ऑप्शन नंबर ए। में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तब तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फल पकता है किसके वजह से, फलों को पकने में निम्नलिखित कौन नियंत्रण करता है, तो हम जानते हैं इथाइलीन नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई पूछेगा ऑक्सिन का क्या काम है, तो ये टिप पर पाया जाता है, बढ़ने वाला हार्मोन है, जिबरेलिन, ये भी ग्रोथ में काम आता है, बढ़ाने में पौधे को, ठीक है। साइटोकाइनिन आपका पत्ता सब जो झड़ता है इसी की वजह से।
न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है उसे डेंड्राइट कहते हैं। जैसे हम आपको पीट देंगे तो आपको जो दर्द होगा महसूस होगा ब्रेन तक जाएगा खबर। किस तरह से, सबसे पहले कौन सा पार्ट? न्यूरॉन, न्यूरॉन का, तो डेंड्राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नामांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है? तो हम जानते हैं आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो हम जानते हैं अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा है, तो च्यूइंग जो है चबाना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मन से चिबा सकते हैं अपना। मानव गर्भ की अवधि 9 महीना यानी 270 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान 1985 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन नामांकित किस में होता है? एसेक्सुअल बडिंग किस में होता है? तो हम जानते हैं बडिंग होता है आपका ईस्ट में। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में। बडिंग मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। प्रोस्टेटिस निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से कौन कौन सा बीमारी संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया दोनों। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट? तो कसकुट्टा हो जाएगा। कसकुट्टा बिल्कुल सही आंसर है इसका। पर हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो हम जानते हैं किसके द्वारा, वेंट्रिकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी निलय के द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में होता है आपका क्या, बडिंग। हाइड्रा में होता है मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। जनन संरचना रोग है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? इसमें से यहाँ सारा है, गोनोरिया, एड्स, साइफिल्स, सारा सेक्चुअली सेक्स की वजह से ये बीमारी हो सकता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं अर्थात सेपल कहते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए में होता है आपका ए एंटीबॉडी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो गैस्ट्रीन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पादप का वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं गिबेरेलिन। अभी तुरंत मैंने बताया था आपको जिबेरेलिन जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जिबेरेलिन और ऑक्सिन दोनों को कहते हैं, मगर ऑक्सिन ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो वही हो जाएगा। हॉर्मोन्स कौन सिक्रेट करता है? तो हम जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावित ग्रंथि करता है। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, सिर्फ अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेट होता है। 78 में मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कितने जोड़े, 3 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 3 जोड़े। एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन हार्मोन है। एंड्रोजेन एक तरह का क्या है? एंड्रोजेन हार्मोन क्या है? तो मेल हार्मोन है। एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन। एंड्रोजिन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था, हु सेलेक्टेड पी प्लांट? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था, मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।